दिन शुरू होना बाकी था, अभी नाश्ता बनना बाकी था। वो झाड़ू चीख चीख कर मुझसे कह रही थी कि आओ उठा लो मुझे। छह महीने से राशि का लाइसेंस नहीं बन पाया था और वो सूट जो दर्जी बिना अधूरा था। और हाँ, कैक्टस वो कह रहा था कि 2 महीने हो गए मुझे लाए हुए, मुझे गमले में जगह चाहिए, मैं इन लोगों के बीच नहीं रह सकता। और उन 2 का क्या काम जो तोशी ने पर्दा तोड़ कर गिराए हैं। पापा का स्कूटर ठीक होके नहीं लौटा था और उसकी जगह अब भी खाली थी। और बस अलमारी का समय नहीं आ पा रहा था। खैर, कैक्टस और अलमारी जैसे बहलाए जा सकने वाले कामों को हमने सॉरी बोला और हम निकले लाइसेंस बनवाने। पर उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जो अविस्मरणीय है। मैं अक्सर अपना कैमरा बेड के ऊपर छोड़ दिया करता हूं और 2 महीने से तोशी मुझे ब्लॉगिंग करते हुए देख रही है। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत ब्लॉग। हेलो राइट, यहाँ पर मैं हूँ। हेलो राइट, यहाँ पर मैं और यहाँ पर पापा जा रहे हैं। यहाँ पर पापा और जा रहे हैं और भी मम्मी के फोन छोड़ दे जा रहे हो। राइट, पापा ऊपर बॉबी जा रहे हैं और है एक दिन बाद। और राइट, और ये मैं हूँ, और ये मैं हूँ। वीडियो बन रही तोशी। हाँ, अरे 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 रुक जा, मेरे को देखने तो दो। अरे मुझे देखने, तू क्या कर रही है ये? हेलो राइट, ये मैं हूँ और ये मैं। हेलो राइट, और ये मैं हूँ। तू तोने ऐसे पकड़, इसको देख बैठ ये। हेलो राइट, और ये मेरी मम्मी है और ये जो मेरे पप्पी होते पापा। तेरे पापा? ये रे तेरे पापा। खुशी की बात यह है कि ये सब अंकित हो रहा है स्वर्णिम अक्षरों में। कैरी मुझे मत दिखाना ऐसे, पहले लिपस्टिक लगा रही है। स्टाइल मार दे थोड़ा। जी कहाँ है हम? आरटीओ ऑफिस। लोगों ने मुझे ना खाली आदमी समझ लिया। लोगों ने समझ लिया कि जगत भैया, लोगों ने समझ लिया कि व्लॉगर ही तो है, खाली तो बैठा होगा, जबकि तुमने देखा मेरे को कितने काम है। तो ऐसा है कि लोगों को लगने लगा है कि लूज मोशन की दवाई भी लेने जाना हो तो साथ में ले चलो, चाहे पेट में मरोड़े उठ रहे हो पर फन की तो गारंटी हो जाएगी ना। तो राशि के साथ आरटीओ आया हूँ। राशि को मैंने बोला कि लिप सिंक मत बनाया कर यार। मैंने कहा मोदी जी अगर लिप सिंक बना लेंगे तो सरकार डूब जाएगी। वैसे राशि को 5-6 साल बाद रियलाइज हो ही जाएगा कि उसने छोटे में क्या किया। लिप सिंक कर रहे थे एक्चुअली। आप जब मैच्योर होते तो आपको बाद में मालूम पड़ता कि छोटे में ये क्यों किया हमने, ये तो नहीं करना चाहिए। मैंने भी उठपटांग काम किए, वो रेट्रिका पे आवा वाला फिल्टर लगा के मैंने भी फोटोज खींची हैं, डाली हैं इंस्टा पे फेसबुक। मैं डिलीट भी नहीं करता हूँ ताकि लोग देखें, उनको पता चले कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं डिलीट नहीं करता अपना स्टफ, चाहता हूँ, मन तो करता है कि वो सब चीज़ें गंद वंद डिलीट मार दूँ कि यार ये पुराने ज़माने, ऐसा लग रहा है लोगों को कि प्रो है अभी बंदा हमेशा से।
बट क्यों ही करना नकली बना, तो मैं चाहता हूँ लोग देखेंगे सब सब ऐसे ही होते हैं यार, नो वन इज परफेक्ट। जैसे राशि है, जैसे कि मैं हमेशा से परफेक्ट ही रही हूँ और रहूँगी भी। राशि तो क्या बता रही थी कि अभी यूट्यूब पे हम एंड में क्या बनाते हैं, थंबनेल क्या थंबनेल। राशि एक बार गढ़वाली एक्सीडेंट में हो जाए, मेरे से नहीं होता यार, मेरी नहीं आती है गढ़वाली को, मैं प्लीज ट्राई, यू कैन ट्राई, वी कैन ट्राई। नहीं मैं आई हूँ, जरा आरटीओ ऑफिस आई हूँ ना, एकदम ऐसे लाइसेंस बनवाना है मैंने, तब जाऊंगी मैं घर, और घर जाके भांडे भी तो धोने हैं तब। तेरी झलक शरती, जब भी मैं ये गाना गाता हूँ राशि पीछे से गाती है जोड़ के, ये पूछ है पूछ। तो हमने सोचा जब आरटीओ में लंच हो रखा है, टाइम लगने ही वाला है, तो ये जो सूट मैं घर से लेके चलाऊँ, नहीं दिखा राशि सूट। तो सूट में दिखा भी नहीं दी, तो जो सूट है उसको देख के आते भैया को, मैंने कुछ फोटोज हार्ट कर रखी है कि भाई हाँ ऐसा चाहिए मुझे, वैसा सिलवाएंगे, मन से लेंगे जी और देंगे। टाइम लैप्स तो फाइनली हम कहाँ पहुँचे, वी के टेलर्स जो मालनी मार्केट में, मतलब पुरुषों का, पुरुषों की साज सज्जा का सामान भी यही मिल जाता है। और हमारे साथ है राशि चूल हटेली, जिनका चूल घिसका हुआ है। मैंने भैया पे मारा था क्योंकि भैया का मुझसे ज्यादा चूल हटा हुआ है। सिलवाना ऑब्वियसली। फोटो दिखा रहे हैं कैसा चाहिए भैया को, ये बास्केट इसमें अलग कलर रहेगा। लड़कों की शॉपिंग होती है बहुत बोलिया था, अब मेरे पास बातें ख़त्म हो चुकी है करने को, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ ना, और सब लोग भी मुझे देख रहे हैं कि इस लड़की का चूल हट चुका है। 24:30 कोट वगैरह नाप दे दिया हमने, अब जा रहे हैं हम घर वी के टेलर्स में। हमें भैया फेयरवेल के टाइम से मैं आपसे ही सिलवा रहा हूँ सूट, पहला सूट मैंने आपसे 2011 में सिलवाया था, है कि नहीं, तब से मैं यहीं आ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है आपने दुकान का लुक चेंज किया है, 5-6 महीने पहले भी मैंने सिलवाया था आपसे, ये अभी लगभग 2-3 महीने पहले ही चेंज किया है सर। हाँ हाँ, तो मालनी मार्केट में वी के टेलर्स में आ सकते हैं, आपको सूट बूट चाहिए भैया, थैंक यू। अब देखते हैं आरटीओ जाते हैं कि नहीं जाते, पहले से डिसाइड हो चुका है नहीं जाना। भैया मैं जाना तो देखा कौन आ रही है, आपका खुद राइडर देखा है उड़ता जा रहा है, रास्ता पर ठीक रखा गया भैया, हटिए भैया रास्ता दिए, बहुत बढ़िया जो है जीवन में मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, फल फूल खरीदना दीजिए कुछ, यहाँ फल लग रहे हैं। हम घर पहुँच गए थे, राशि जो है अपनी रील बनाने में मशगूल, और मुझे दो व्यक्ति यहाँ से जाते हुए दिखे, ये है नीलम दीदी, ये मेरी रानी चाची। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हो, हम तेरी शादी के लिए थोड़ा पतला हो रहे हैं, लहंगा पहनना भाभी ने, मैं घूमने चल गया हूँ। हाँ इन चप्पलों में रील बनवाऊंगा ना मैं, चलो मेरी रील बनाने के बाद इसको मालूम पड़ा कि मैं सच में अच्छा दिख रहा हूँ, तो मैंने कहा तू किसी भी एंगल से शूट कर मैं अच्छा ही दिखूंगा। राशि के साथ मैं 7-8 एंगल ट्राई कर चुका हूँ, पर खूबसूरती नहीं लेना नहीं आ रहा भैया, ऐसे खूबसूरती चमक रहा है, मैं दिख ही नहीं रही हूँ, खूबसूरती ढूंढ ढूंढ के मर गए, छान के छन्नी से टैलेंट होता है कि मतलब आटा छन चुका है, सिर्फ चोकर चोकर बाकी है। आप एक काम करो, ऐसे पकड़ लो फ्रंट में, मैं खुद चल के आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे आइए, पीछे से बोर्ड आ रहे हैं ना तेरे को, देख रहे हैं बोर्ड आ बहुत बेकार, मतलब अबे जा यार। वाओ यार, एक तो ये भी जो सीढ़ी का जो व्यू है ना, ये भी गजब है यहाँ पर। मैं बहुत
बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं हर चीज़ को गढ़वाली में वो कर रही थी। तब तक मामा कह रहे तू ना एक काम कर, तू गढ़वाली में बोल। मैंने कहा क्यों? पर मेरी और तबीयत खराब हो रही है। लगे वो सच में गढ़वाली लड़का था। तो आप फंस गए वहाँ पर। अब मैं फंस गई, मैं कह रही यार अब ये गढ़वाली बोलेगा तो अब तो मेरे को इससे ज्यादा तो आती ही नहीं है, मतलब आप बोलूंगी भी तो पकड़ में आ जाऊंगी कि ये देसियाने। मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, ये बोल दो गढ़वाली। क्या बोल रहे हैं? मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। मैं भिंडी की सब्जी बनानू छु। ये भी हिंदी है मामी। मामी बिना लय के गढ़वाली नहीं है, बिना लय के गढ़वाली हिंदी है। थोड़ी लसाक, थोड़ी लसाक आई गढ़वाली वाली। आई आई आई। पानी लेना। हाँ पानी को पानी नहीं बोलेंगे, पैन। पने अलग में पैन लेना। कौन मामी? आप ट्राई करते रहो कि एक दिन आप जरूर गढ़वाली खराब कर दोगे। ठीक है, ढाई मिनट का रिकॉर्ड हो गया, किसी को बता भी नहीं चला। ये है मेरी मामी जी। तो मामी जी गढ़वाली बोलना, मामी देख लो 2 मिनट 37 सेकंड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, नहीं रिकॉर्ड थोड़ी करा, तूने तो नीचे रखा हुआ था। हाँ नीचे ऐसे ऐसे रखा हुआ था। राशि की माताश्री है मेरी बड़ी मामी है। जब मेरे मामा जी से इनकी शादी हुई थी तो मैं इर्द गिर्द इनके घूम रहा था। हाँ चल रहा है ये तो। राशि कह रही पीछे से, अरे व्लॉग बन रहा है मम्मी। तो मामी आपको कुछ याद है किस्सा जब आपकी शादी हुई थी? तो मेरी क्या याद है आपको? छोटा सा लड़का जो कि स्टेज के पीछे से ना फूल फेंकने में लगा हुआ है। हाँ। फूल फेंकने में लगा हुआ है। मैं कह रही यार ये बच्चा कौन है, ये मेरे हाथ आता ना इसको मैं बताती। वो भी नीचे गिरे हुए फूल। हाँ। वो भी नीचे गिरे हुए फूल। गाइस जैसे सबको पता है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, तो दैट गाय वाज मी। मैं ही फेंक रहा था फूल आपके मई के वालों के साथ। एक जो बारात में एक ही लड़का था जो आपके साथ रो रहा था, ठीक है। मैं और मामी एक टाइम ऐसा आया था कि साथ में रो रहे थे। जब विदाई हो चुकी थी, हम अपने घर पहुंच चुके थे, तो मेरी माँ बोल रही कि पागल तू क्यों रो रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास मामी के साथ भी लेकर। किसी और दिन उस चीज़ को शुरू करेंगे हम लोग। फिलहाल हमें व्लॉग एडिट करना है। वीडियो एडिट करने के बाद हमने रुख किया ताई ताऊ जी के यहाँ, जिनकी आज सालगिरह है। और गिरोह जो यहाँ पूरा बैठा हुआ है वो भी मैं अभी रिवील करने वाला हूँ। सबके सब बैठे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करके। तो सालगिरह है, हम लोग केक कट करने के लिए सेरेमनी सेलिब्रेट करने यहाँ पहुँचे हैं। एक कॉल हमें पहुँचा, जल्दी से आ जाइए, तो हम पहुँच गए भाई। और यहाँ देखिए सारी जनता बैठी मैदान में। हमारे ताऊ जी हमारे पिताजी से बड़े वाले, और ये उनकी धर्मपत्नी है। बताइए आपकी शादी को कितने साल हो गए? 38 हो गए भाई। 38 शुरू हुआ है। 38 गोल्डन इयर्स दे हैव स्पेंट टुगेदर। और अब हम जो है केक सेरेमनी शुरू कर सकते हैं। ताऊ जी साथ में। भारतीय घरों में आप पाएंगे कि हर सेरेमनी के लिए एक ही धुन है, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हाथ से? हाँ, हाँ। से ताऊ जी बिल्कुल। आप ऐसे पढ़े से कैसे खिलाओगे आप? चुप हो जाओ। तालियां तालियां। काफी जन जो इधर भूखे बैठे हैं, तुमने ताली बजाई है? बजाई ना। हाँ तो इन लोग को भी भाई केक दे देना। तूने तो आज मास्क भी नहीं पहना रे बेचारी बची। हाँ दिखा दे दिखा दे दिखा दे, जब है तो दिखा दे। दो दांत एडिट होना चाहिए। दो दांत एक्स्ट्रा ग्लोरी लिए खड़े हैं सामने। प्लेट वापस, ताई जी ने बोला रुको प्लेट वापस रखो, शॉट लेने दो। ये देख रहे हो व्यंजन बने हैं एक से एक, हर घर की कहानी। ये देखिए रिवील शॉट दिखी आप। जो हिप्पोस की प्रजाति अपने भारत से सारी दुनिया से ही खत्म हो चुकी है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि हिप्पोस खत्म हो गए हैं, अब नहीं रहे हिप्पोस। बट ऐसा है, आप खाइए रसगुल्ले और कुछ मन मन बात आपको शादी का लड्डू खाने के लिए मिलेगा। अब आप डिसाइड करना शादी के 6 महीने बाद हम आपसे पूछेंगे आपको कैसा लगा शादी का लड्डू।
तू कौन से नंबर पे आया है? एक दो तीन तीसरे नंबर पे है ये ताऊजी लड़की है, रुचिका इनका नाम है। लड्डू खा चुका है और पीकू की बारी है, तो सॉरी प्रियांक की बारी है। आप ही बताइए आपको कैसा लग रहा है शादी के लड्डू खा के? थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा। शादी का लड्डू बहुत कड़कड़ होता है, आप बहुत परेशान तो नहीं है? अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो दिखा रहा हूँ तेरी हरकत। सुनो, जिस केक के लिए तुम खिसक खिसक के आ रहे हो ना, तुमको इसकी बैक स्टोरी नहीं पता। ये केक असल में नीचे गिरा था। ऑल डन, ऑल गुड, ठीक है। ठीक है तुम अब तू पैर छूना। प्राउड, जबरदस्ती ले लेता हूँ। Radio.